हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे सिम्फाइटम के बारे में। सिम्फाइटम जो होती है तो एक घाव भरने वाली रेमेडी होती है, जिसका सेम जैसे कि आयनिका और रूटा काम करती है, वैसे वो भी ये सेम काम करती है। और इसको कैम्ब्री फार्म बोलते हैं। ये बोटनिएसी फैमिली से बिलोंग करती है तथा पार्शली प्रूफ होम्योपैथिक रेमेडी है। इसका जो क्लिनिकल फीचर होता है तो हेडक हो गया, बोन इंजरी हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कैंसर हो गया, आई में मोस्टली जो इंजरी हो जाती है, आई पेन हो गया, फ्रैक्चर, नॉन यूनियन हो गया, सेक्सुअल एक्सेस हो गया, जो एक्सेस सेक्सुअल इफेक्ट के कारण कमर दर्द होता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब आते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम में। गाइडिंग सिम्टम जो होता है ना, तो सिम्फाइटम का पहला गाइडिंग सिम्टम होता है जैसे कि लॉन्ग बोन होती है, वो कई पार्ट्स में टूट जाती है, तो उसको जोड़ने में बहुत अच्छा काम करती है। तो पहला इसका गाइडिंग सिम्टम हुआ। अब दूसरा आते हैं तो गाइडिंग सिम्टम में इसके एक प्रिकिंग पेन जो होता है, जैसे कि जो बोन टूट जाती है, तो स्पेशली ठंडे या गर्म वाले सीजन में ये दर्द देती है, उसमें से बहुत अच्छा काम करती है। फॉर द पेरियोस्टियम पेन एंड वुंड हैव द हीलेड द इरिटेबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर, जहाँ से बोन टूटी रहती है वहाँ से दर्द होता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। स्पेशली दर्द इसमें से जो आई इंजरी होती है, आँख में किसी प्रकार की चोट लग जाए उसके कारण जो दर्द होता है, आई इंजरी में काम करती है। कमर दर्द जो होता है उसका जो कारण होता है, एक्सेसिव सेक्सुअल करने के कारण जो कमर में दर्द होता है, उसके लिए बहुत अच्छा काम करती है। ये जो सिम्फाइटम है तो मोस्टली फ्रैक्चर के लिए होते, फ्रैक्चर इंजरी जैसे हो गई आई हो गई, बोन हो गई, पेरियोस्टियम हो गई, पेरियोस्टियम आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन होती है उसमें हो गया ये, तो इन सभी बहुत अच्छा काम करती है सिम्फाइटम।